विश्व सरयूपारण ब्राह्मण महासभा द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन गाथा के रोचक प्रसंग से संबंधित श्री राम कथा मानस के चार घाट व श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन शुक्रवार 11 नवंबर से गुरुवार 17 नवंबर तक वसंत विहार कॉलोनी दुर्गा मंदिर के पास खरगाम रोड वाड़ी में किया गया है। संजय महाराज श्री राम कथा का रसपान कराएंगे। कथा रोजाना दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक होगी। श्री राम कथा के साथ विश्व में शांति की स्थापना के लिए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है। काशी के पंडितों द्वारा महायज्ञ होगा। अखिल विश्व सरयूपारण ब्राह्मण महासभा के द्वारा वाड़ी परिषद में राम कथा भव्य आयोजन किया गया है 11 नवम्बर से 17 नवम्बर तक। विंद पीठाधीश्वर तुलसी मानस मर्मज्ञ बालयोगी संत श्री संजय जी महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान भाविक लोगों को किया जाएगा। साथ ही साथ लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का भी आयोजन हमने किया है, जिसमें काशी से विद्वत आचार्यगण उपस्थित रहेंगे। और ये यज्ञ का मूल उद्देश्य ये है कि समाज में लोगों के अंदर शांति का निर्माण हो, भाईचारा की स्थिति पैदा हो, क्योंकि मौजूदा समय जो है वो बड़ी अराजकता का समय दिखाई पड़ता है। ऐसे समय पर युवा वर्ग को और हम लोगों को अंदर एक समरसता की भावना, सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण होना ये नितांत आवश्यक है। विश्व शांति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये यज्ञ का आयोजन इसके साथ में किया है। रामकथा का मुख्य उद्देश्य करवाने का ये है कि रामकथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन जीने की कला हमें रामकथा के माध्यम से प्राप्त होती है। कैसे विकट परिस्थितियों में भी जीवन जिया जा सकता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, भगवान राम ने यह हमको विधिवत बताया है। आज की युवा पीढ़ी को, आज के समाज को उस कथा के माध्यम से ये बताने की नितांत आवश्यकता है, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने इस कथा का आयोजन वाड़ी में किया हुआ है। अखिल विश्व सरयूपारण ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित राम नारायण मिश्र ने बताया कि श्री राम कथा के आयोजन का मूल उद्देश्य युवा पीढ़ी को हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।